हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मॉइस्चराइजर्स इन रीसेंट टाइम्स, विच इज डीयू इन माय डिफेंस मॉइस्चराइजर। रिसेंटली आलिया भट्ट ने अपने स्किन केयर वीडियो में इसके बारे में बात की एंड शी रेव्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट। तब से नायका पे आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके इसे ऑर्डर किया ये देखने के लिए कि क्या ये जो हाइप क्रिएटेड है ये वर्थ है या फिर नहीं है। लेट्स फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो। सो वीडियो को पूरा देखें एंड अगर पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड सब्सक्राइब के बगल में यहाँ पे बेल आइकन होगा, उसे भी हिट कर दे ताकि मेरी आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड आप कोई वीडियो मिस ना करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। So guys, this is the moisturizer we are talking about. This is Dio In My Defense moisturizer. Iski price is rupees 3500 for 50 ml of product. Let's check out if it is worth it. So guys, when Alia Bhatt talked about this product, मुझे ऐसा लगा था कि ये कोई foreign brand है, but when I read about this on internet, मुझे पता चला कि ये Indian brand ही है। इसकी जो founder है वो मुंबई से है, but ये formulate किया गया है South Korea में। So guys, this product is formulated in South Korea, but is an Indian brand. Also guys, इस ब्रांड के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल है। इन्होंने बस तीन प्रोडक्ट्स अभी तक लॉन्च किया अपने मार्केट में। एक ये मॉइस्चराइजर है, एक आई पैच है एंड एक सीरम है। तो ये तीन ही प्रोडक्ट्स है जो इस पर्टिकुलर ब्रांड के अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही स्ट्रांग पैकेजिंग है एंड एयर टाइट है। ऑल्सो इट कम्स विद अ पंप, तो इसे लगाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। बट प्राइस की जहां तक बात करें तो आई थिंक 3500 for 50 ml is on a higher side, of course. शायद इस ब्रांड का टारगेट सेगमेंट मिडिल क्लास नहीं है, शायद ये सिर्फ एलीट क्लास को ही टारगेट करते हैं। बट इनका स्ट्रॉन्ग क्लेम्स है कि आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्लेम क्या क्या करता है। सबसे पहला क्लेम इसका ये है कि इसमें 20 टाइम्स ज्यादा सेरामाइड्स है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ गाइस, सेरामाइड एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपके स्किन सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है, आपके एक्ने एंड पिंपल मार्क्स को भी ठीक करने में हेल्प करता है, आपके फेस को हाइड्रेटेड रखता है एंड एवरी गुड थिंग इज अटैच विद सेरामाइड। सो दिस इज अ सेरामाइड मॉइस्चराइजर ऑल इन ऑल एंड इसमें 20x ज्यादा सेरामाइड है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। क्लेम नंबर टू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट इसमें सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स तीनों 3:1:1 के रेशियो में है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, ये कोई साइंस नहीं है। हमारे स्किन का जो नेचुरल बैरियर कॉम्पोजिशन है सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स का, वो 3:1:1 के रेशियो में आता है, विच इज द गोल्डन रेशियो। एंड इस प्रोडक्ट का क्लेम ये है कि ये उस गोल्डन रेशियो पे फिट बैठता है एंड विच आई थिंक इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। द थर्ड क्लेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट ये आपके स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। स्किन बैरियर होती है हमारे अपर लेयर ऑफ द स्किन को स्किन बैरियर कहते हैं। अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसके बाद ही आपको पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स एंड ओपन पोर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सो अगर आपके अपर लेयर को ही बचा दिया जाए तो आपका इनर स्किन जो है वो डैमेज नहीं होता है, स्किन सेल्स आपके डैमेज नहीं होते। सो इस प्रोडक्ट का ये कहना है कि ये आपके स्किन बैरियर को इम्प्रूव करता है, उसकी हेल्थ को अच्छा करता है एंड आपके सेल के रीजेनरेशन में हेल्प करता है। Now let's apply this on my skin and see कि ये जो सारे क्लेम इसने किए हैं ये एक्चुअल में मेरे फेस में शो करता है या नहीं करता है एंड क्या इसे परचेज करना वर्थ है या नहीं। सो गाइस, डीयू इन माय डिफेंस का ये मॉइस्चराइजर लगाने से पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है विद अ जेंटल क्लेंजर। आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो अपने फेस को क्लीन करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो गाइस, मैंने अपने हाथों में यहाँ पे 2-3 पंप लिए हैं इस मॉइस्चराइजर के एंड आप देख सकते हो कि इसका कलर बहुत ही लाइट पिंक काइंड ऑफ है। अगर आपने कभी लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर ट्राई किया है ना तो ये बिल्कुल वैसा ही कलर में है, बट इसका टेक्स्चर एंड फील बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं अपने फेस पे इसे डॉट डॉट करके लगा रही हूँ एंड इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइज, ब्लेंड करते ही मुझे एक चीज सबसे पहले जो दिमाग में आया ये कि ऐसा मॉइस्चराइजर कभी पहले मैंने यूज नहीं किया है जिसका फील ऐसा हो। बिल्कुल सेकेंड स्किन काइंड ऑफ फील है इसकी एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ये बिल्कुल मुझे, मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एंड बहुत ही आसानी से ये फेस में ब्लेंड हो रहा है गाइज एंड बहुत ही ब्यूटिफुल, यू नो, सूदिंग इफेक्ट है, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग इफेक्ट है, काफ़ी लाइट वेट है एंड बिल्कुल नॉन ग्रीसी है।
एंड एज द ब्रांड क्लेम्स कि इसमें 1% प्योर सेरामाइड्स है, तो ये बहुत ही एक यूनिक फीचर है इसका, बिकॉज बाकी अगर मैं इसके ड्यूप भी आपको बताऊंगी, जो मैं आगे बताऊंगी कि अगर आप ये परचेज नहीं कर सकते हो तो और क्या कर सकते हो, तो उसमें भी सेरामाइड तो है, बट 1% प्योर सेरामाइड एक बहुत ही रेयर कॉम्पोजिशन है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है, जो इसे यूनिक बनाता है। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड हर स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, वेदर योर ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन डजंट मैटर। Also guys, इसके बाद मैंने मेकअप भी किया था एंड मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा उसके बाद हाइड्रेटेड फील हुआ था मुझे एंड काफ़ी लंबे वक्त तक यू नो फेस हाइड्रेटेड रहा था, नरिश्ड रहा था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है फेस में, जैसा कि आप देख सकते हो। सो मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि ये मॉइस्चराइज़र अलग तो है, जितना भी मैंने पहले, आई एम अ मॉइस्चराइज़र गर्ल, मैं बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स मैंने यूज़ किए, बट इसका फील बिल्कुल अलग है डेफिनेटली। बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सभी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, इस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा था इसके बारे में, बहुत सारे वीडियोस देखे थे इसके बारे में, बिकॉज इतने सारे रुपये लग रहे हैं इसमें ऑफकोर्स, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में जानूंगी और उसके बाद ही परचेज करना चाहूंगी। सो एक यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बट उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि आलिया भट्ट ने पेड स्किन केयर रिव्यू किया था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने देखा कि ये इंडियन ब्रांड है, सो आई थॉट देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस। बट उसी वीडियो में, उसी यूट्यूबर के वीडियो में जो फाउंडर है इसकी, डीओ एंड मेडिफेंस की जो फाउंडर है, शी हरसेल्फ केम एंड शी रोट कि वो पेड नहीं था, वो मार्केटिंग गिमिक नहीं थी एंड आलिया भट्ट की जो सिस्टर है वो उनकी बहुत पहले से कस्टमर है एंड उन्होंने उनको सजेस्ट किया था एंड दैट्स वाई शी यू नो यूज्ड इट एंड स्टार्टेड लविंग इट, विच मेक्स सेंस। अगर खुद आके वो सामने आके बोल रही हैं कि पेड नहीं था, सो ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी, बिकॉज मेरे माइंड में बहुत कुछ था कि मैंने ये परचेज कर लिया है ना, पता नहीं ये सही है नहीं, ये इतने पैसे मेरे वेस्ट हो गए, बट दैट वॉज गुड ऑफ हर कि वो उन्होंने खुद सामने आके ये बात बोली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसलिए कि जिसके भी माइंड में ये डाउट है कि ये पेड कॉन्टेंट था आलिया भट्ट का, तो ऐसा कुछ नहीं था। सो जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा रिव्यू है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, सो गाइस मैं बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है अगर आपके पास पैसे हैं एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस, सो आप परचेज कर सकते हो इसको। बट अगर आप इसको परचेज नहीं कर सकते हो, सो नो वरीज, मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छे दो ऑप्शंस है जो आप परचेज कर सकते हो। एक है ये डॉट इन की का सेरामाइड मॉइस्चराइजर, ये भी बहुत अच्छा है एंड मैंने इसको रिसेंटली परचेज किया है, यूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड अगर आपके स्किन का बैरियर बहुत ज्यादा खराब है एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप ये बायोडर्मा का ऑटोडर्म क्रीम मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो। दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड ये दोनों ही अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। डॉट इन की का ये जो मॉइस्चराइजर है, इसकी प्राइस ₹395 जो कि नायका में हमेशा डिस्काउंट पे रहता है। एंड बायोडर्मा का जो ये मॉइस्चराइजर है, ये भी कुछ 500 के अप्रॉक्स में है, इस पे भी हमेशा 10% के लगभग डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सो 3500 अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, डीओ एंड मेडिफेंस पे, तो आप डेफिनेटली ये दोनों मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो कमिंग बैक टू डीओ इन माई डिफेंस मॉइस्चराइजर, मेरा पर्सनल रिव्यू उसके बारे में ये है कि अगर आप मार्केट में हर कुछ यूज कर चुके हो, सारे प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हो, थक चुके हो सब कुछ यूज करके, आपके स्किन में कुछ शो नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कमाल के हैं, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, स्किन पे बहुत लाइट वेट है, हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, हर वेदर में आप इसे यूज कर सकते हो, मेकअप से पहले यूज कर सकते हो, रात में भी यूज कर सकते हो। बट फॉर द प्राइस, एक ही कौन है इसका, इस प्रोडक्ट का, कि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा प्राइस में कम रहता तो शायद मैं इसको दोबारा परचेज करती, बट 3500 में 50 ml ऑफ प्रोडक्ट इज वे टू लेस फॉर मी एंड मैं दोबारा इसको शायद परचेज नहीं करूँगी। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो गाइज, दिस वॉज माई रिव्यू ऑन डीओ इन माई डिफेंस मॉइस्चराइजर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके किसी भी तरह के डाउट्स, क्वेश्चन या सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और सो गाइज, जितने प्रोडक्ट्स मैंने आज यहाँ पे बताए हैं आपको वीडियो में, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू चेक इट आउट। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।